हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। तो आज है हमारे यहाँ नवरात्रि की पूजा। तो अभी ना पूजा का व्रत कथा वगैरह सब कुछ हो गया है, पूजा भी लगभग समाप्त हो चुकी है और इसके बाद हम लोग आज करवाने वाले हैं नौकन्या भोजन। तो दोस्तों, आपको पूरा वीडियो देखना है। तो अभी ना लगभग 11 बज रहे हैं और जितनी भी हम लोगों ने जिनको इन्वाइट किया सभी को ही आ चुके हैं। तो सबसे पहले ना हम उनका पैर धुलवा रहे हैं। तो हस्बैंड जी ने, फिर दीदी ने सभी बच्चों का पैर धुलवाया और पैर को पोछाए हैं। और अभी सभी को आलता लगाया जा रहा है, क्योंकि नवरात्रि में ना जिनको भी मतलब जो भी कन्याएं आती है उनको माँ दुर्गा का स्वरूप मान करके उनको महावर या आलता ज़रूर लगाते हैं। तो बस अभी सभी बच्चों को आलता वगैरह लगाया जा रहा है। और देखिए कितनी छोटी सी प्यारी सी बच्ची आई है, तो हस्बैंड जी भी लगा करके दे रहे हैं। और अभी आलता वगैरह लग चुका है और अभी हम लोग सबको देने वाले हैं प्रसाद। तो दीदी सबको प्लेट्स दे रही हैं और हम लोग सभी मिलजुल करके अभी सबको प्रसाद दे देंगे। तो आज जो भी बना है, तो सबसे पहले फल प्रसाद, फिर पूरी वगैरह, खीर, चना आलू की जो सब्जी है वही सब हम लोग सब बच्चों को देंगे। तो आज नवरात्रि का नवमी का दिन आ गया है और कब ये 9 दिन चले गए पता ही नहीं चला। तो आज बहुत ज़्यादा हमें खुशी हो रही है और हमारे यहाँ ना ये पूजा हर साल ही होती है, तो हमारे घर में ये बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। और बच्चे भी बहुत ज़्यादा, हमारे घर के आसपास के जो हैं उन लोग भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड रहते हैं, उनको भी इस पूजा में आना बहुत अच्छा लगता है। तो बस हम लोग अभी सभी को प्रसाद वगैरह दे देंगे और इसी के साथ ही ये हमारा आज का है उद्यापन का दिन। तो यहाँ मैं सर्व कर रही हूँ चना आलू की सब्जी। उसके बाद देखिए हम लोगों ने बच्चों के लिए मालाएं भी बनाई हैं, तो अब हम उन्हें माला वगैरह पहना देंगे। आरती के बाद सभी को टीका वगैरह लगाया जाएगा। तो देखिए बच्चे कितने खुश हैं। तो आरती वगैरह के बाद, टीका वगैरह लगाने के बाद हम लोग एक बार सभी जो नौ कन्याएं आए हैं उनको प्रणाम कर लेंगे, क्योंकि यही माँ दुर्गा का स्वरूप है। तो बस अभी आरती हो रही है और इसके बाद बच्चे लोग प्रसाद वगैरह खाएंगे। और ये जो नौ कन्याएं आए हैं, तो हम लोग इनके प्लेट से कुछ ना कुछ थोड़ा सा अपने लिए मांगते हैं और उन लोग अपनी खुशी से कुछ ना कुछ एक चीज़ दे देते हैं। तो उसी को खाने के बाद पहले व्रत तोड़ा जाता है। और अभी बच्चे लोग प्रसाद ले रहे हैं और साथ ही साथ हम लोग आसपास जो भी बैठे हैं उन सभी को भी प्रसाद दे देंगे। तो देखिए बच्चे कितना मस्त बैठ करके खा रहे हैं और ये थोड़ी छोटी है तो इसको उसकी मम्मी खिला दे रही है। वैसे तो बच्चे जो बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं वो खा नहीं पाते हैं। तो बस दोस्तों, इसी तरह हमारे घर का नौ कन्या भोजन हुआ। और आप लोगों को कैसा लगा आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आप में से किस किस के यहाँ नवरात्र की पूजा होती है ये भी मुझे ज़रूर बताइएगा।
अभी बच्चों का खाना हो चुका है और उसके बाद हम लोगों ने बच्चों के लिए जो दक्षिणा और जो कुछ सामान लाया था ना वो सब भी दे देंगे। तो किसी को दीदी देंगे, किसी को भैया देंगे, हम लोग जिन्होंने भी उपवास किया है वो सब मिलकर के ही देते हैं। तो बस इसी के साथ हमारा जो नौकन्या भोज है यहीं पर समाप्त होता है। आप लोगों को कैसा लगा आप लोग बताइएगा। और व्रत शुरू करने से पहले लग रहा था कि कैसे रहेगा ये 9 दिन, कैसे गुजरेगा, पर ना पता ही नहीं चला कैसे कैसे ये 9 दिन चला गया। तो मैंने तो हर दिन फास्ट नहीं रखा है, हस्बैंड जी ने और दीदी ने पूरा 9 दिन का उपवास रखा है। तो बस मैं माता रानी से यही दुआ करती हूँ कि सब पर अपनी कृपा बनाए रहे, सभी को खुशी दे, सभी को बरकत दे। तो अभी खाना वगैरह हो गया है तो बच्चों को हाथ वगैरह धुला के दे रहे हैं, क्योंकि सभी छोटे छोटे बच्चे हैं, नहीं कर सकते हैं। ये देखिए तो ये मेरा मोबाइल। अच्छा ओके। और बेटो आज आपको क्या क्या मिला है थोड़ा दिखा दो। ये मेरा टेडी वाला रुमाल। ओके और क्या क्या है दिखा दो, सब कुछ एक एक कर करके। बहुत सारे गिफ्ट्स मिले हैं ना बेटों को। कलर पेंसिल निकाल के मत दिखाओ, ऐसे ही दिखा दो। ये कलर पेंसिल। फिर और क्या मिला है पंखु को दिखा दो। हेयर बैंड। बट पंखु के अभी ना हेयर नहीं है ना पंखु। देखो देखो कैसी लग रही है। ठीक है और भी बहुत सारे गिफ्ट हैं। तो फ्रेंड्स जब मैं भी छोटी थी ना तो ऐसे कन्या भोज में जाती थी और बहुत ज्यादा मजा आता था। क्या बोलूं उस दिन ना, मतलब बहुत ज्यादा मजा आता था। और सबसे ज्यादा मजा आता था कि कौन कौन से गिफ्ट मिले हैं। तो आज बेटू लोग अभी छोटे हैं तो उन लोगों को भी देखिए बहुत सारे गिफ्ट मिले हैं। तो आज ना मैं अपना बचपन को याद कर रही थी कि हम लोग भी छोटे होते थे तो कैसे जाते थे, बहुत ज़्यादा मज़ा आता था। तो बस दोस्तों और अभी काफ़ी टाइम हो चुका है तो आज के ब्लॉग को मैं करती हूँ यहीं स्टॉप। आई होप आप लोगों को मेरा आज का ब्लॉग अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जल्दी मिलती हूँ एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय और जय माता दी।